गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, लेसन 30 मोशन एंड टाइम। डू यू नो एवरीबॉडी, लास्ट वीडियोस में हमने आपको मोशन के बारे में बताया था, टाइम के बारे में बताया था, मूवमेंट के बारे में बताया था और स्पीड के बारे में कहा था। स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो, और जितना हम डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगाते हैं उनके बारे में, उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। गति आपको बताया था हमने कि अगर हम बॉल को लुढ़काते हैं तो थोड़ी देर बहुत तेज से चलती है, उसके बाद धीरे 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 वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाती है। तो ये सब जो है मूवमेंट होता है, मोशन होता है। दैट इज इस जो है लेसन में हमने आपको इसके बारे में एक्टिविटी, कुछ गाड़ियां होती हैं जो बहुत स्लो चलती हैं, कुछ गाड़ियां होती हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं, कुछ जैसे हमने आपको ट्रैवलिंग के बारे में बताया था कि ट्रेन है, ट्रेन से हम 2 दिन में पहुंचते हैं, वहाँ एरोप्लेन से हमें 1 दिन में पहुंच जाए, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, फिर उसका बस वहां पे 3 दिन लेती है। तो इस तरह से वो जो है क्या कहते हैं, व्हीकल पे भी डिपेंड है हमारी गति का, गति मोशन हमारे व्हीकल पे भी डिपेंड है। और अगर हम धीरे धीरे हम चलना चाहें तो धीरे धीरे भी हम जो है पैदल चल सकते हैं पेडेशन के द्वारा। तो ये सारे एक्टिविटीज की तो जो है बेस पे हमने आपको ये लेसन समझाया था, और वॉच के लिए बताया था, सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया था, उसके बाद डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉब के बारे में बताया था, और उसके बाद ऑसिलरी ऑसिलेशंस एंड द यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड के बारे में बताया था कि किस तरह से हम यूनिट टाइम और स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, मेजरमेंट, मेजरिंग द स्पीड, स्पीड हम मेजर कैसे कर सकते हैं, सनडायल, लोग जो है पुराने जमाने में लोग किस तरह से जो है टाइम का पता लगाते थे उनके बारे में भी बताया था। उसके बाद आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो आप अपने घर पे इनके बारे में भी मोटर, जो भी व्हीकल है उस व्हीकल के मोटर कोडामीटर उसके द्वारा जो है आप स्पीड देख सकते हो कि आपके पापा या आपके पेरेंट्स कितनी स्पीड में आपकी जो है गाड़ी वो चला रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हमको कोई भी डिस्टेंस कवर करना है वो 15 मिनट्स में हमें डिस्टेंस को कवर ही करना है, तो हम जो है 60 की स्पीड से या मोर देन 80 की स्पीड से हम एक्टिवा चला करके जा सकते हैं, उस जगह को हम 15-15 मिनट में कवर कर सकते हैं। और वही डिस्टेंस को हम 25 मिनट्स में भी कवर कर सकते हैं अगर हम 40 के स्पीड से चल रहे हैं, यानी हमारे गाड़ी की स्पीड कम है तो उस कवर को, उस डिस्टेंस को हम कवर 20 मिनट्स में कर सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी की स्पीड तेज है तो हम उसी डिस्टेंस को कवर हम कम समय में कर सकते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों साथ में चलता है, कोई भी डिस्टेंस हमको कवर करना है उसमें कितना टाइम लगता है। लोग सुबह सुबह जो है वॉकिंग करने के लिए निकलते हैं, 2 किलोमीटर वॉकिंग करना है मुझे, इतने टाइम में जो सही वॉकिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सुबह का जो है इनका मूवमेंट चल रहा है वो एक्सरसाइज के तौर पर उसको कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लिमिट भी रखते हैं कि हमें ये जो है 2 किलोमीटर की दूरी पैदल चल करके 10 मिनट में कंप्लीट करना ही है, 10 मिनट्स जो है हम 2 किलोमीटर चल लें। तो ये डिस्टेंस और टाइम ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कोई भी डिस्टेंस कवर करना है तो हमें टाइम भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है पीछे नंबर 150 पेज नंबर 152 में है कुछ ऐसे क्या कहते हैं पिक्चर्स दिए गए हैं आपको कि उसके द्वारा बताया जा रहा है। जैसे ये एक्सेस है, यहां पे आपका वेट है, ये वेट है, ठीक है, और ये हमारा है एज। आपको मालूम है ना एज के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, एज के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, यानी वेट और एज दोनों एक दूसरे के पूरक है। यहां पे मान लीजिए यहां पे 10 केजी है, 20 केजी है, 40 केजी है,
50 केजी है और 60 केजी, ओके। और ये हमारा एज है, एज हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, हम 2 साल के हैं, उसके बाद 4 साल, उसके बाद 5 साल, 5, फिर हम 8 साल के हुए, फिर हम 10 साल के हुए, फिर हम 12 साल के हुए, ठीक है, 12 इयर्स तक हम पहुंचे, यानी कि 12 साल के। तो हमारा ये जब हम 2 इयर्स के थे, 2 इयर्स के थे, तो हमारा जो है 10th के अबव जो है ये हमारा ग्राफ है, यानी हम 10 के पास पहुंच गए, 10 के जी। After 2 years हम 10 के एज होते गए, धीरे धीरे हम 3 years पहुंचे तो हम 20 to 10-15 के बीच में आए, फिर हम 5 से 40 के बीच में पहुंचे, 5 years के पास पहुंचे तो हम 25 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे 25 के बीच में, यानी कि 30 के बीच में आए, फिर हम 8 साल के बढ़े तो 40 के पास आए, 10 साल 10 के, फिर धीरे धीरे 10 फिर 10 के जी में आए तो हम यहाँ पे 10 के जी में आए तो थोड़ा सा 2-3 किलो और बढ़े, फिर अब 10 साल में आए तो थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा और डिक्रीज हुआ, फिर 12 साल में आए और डिक्रीज हुआ, ठीक है, धीरे धीरे हमारा जो एज बढ़ता गया और हमारा वेट भी बढ़ता गया, एज के साथ एक 12 इयर्स की एज में हम 45 के अलावा पहुंचे, ठीक है, 12 इयर के लिए। तो इस तरह से टाइम भी होता है, टाइम और डिस्टेंस से भी हम रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे टाइम और डिस्टेंस से जो है हमारा ये जो है तो 4 बना हुआ है, ये ठीक है, जो हमारे पास वो होता है ना पाई चार्ट, पाई पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर इसको बोलते हैं, उस तरह का पेपर है, ठीक है, उस तरह का ये सब पेपर है, इस तरह का ही ग्राफ पेपर होता है ना, इसमें ग्राफ के हैं दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो ये ग्राफ पेपर है। तो यहाँ पे हमने
अपने जानकारी के लिए हमने इसको नाम दे दिया है, और ओ जो है इसका सेंटर बता दिया, ओरिजिन बता दिया है। द टू क्वांटिटी बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन एंड अलोंग दिस टू एक्सिस, टू क्वांटिटी आपको भी आप अपने पिक्चर में देख रहे होते, तो ये पूरा पिंक कलर से है, ये पूरा शेड है। ये शेडेड है। द ग्राफ ड्रॉन शो अलोंग दिस टू एक्सिस, ओके टू एक्सिस, एंड द शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव वैल्यू जो है आपको दर्शा रहा है, एंड द ओ एक्स एक्सिस अलोंग द ओ एक्स, एंड सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू, और उसी तरीके से वाई ओ भी जो है आपको पॉजिटिव वैल्यूज दिख रहा है, यानी कि ओ एक्स भी पॉजिटिव है और वाई ओ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन में पॉजिटिव के जो है वैल्यूज बता रहा है, एंड द वाई एक्सिस आर शोन इन अलोंग ओ वाई, एंड द वाई एक्स एक्सिस शोन ऑन द ओ एक्स, ओके, एंड द वी शेड कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना, ये जो पूरा पैराग्राफ दिखा रहा है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो ग्राफ पेपर दिखा रहा है, द ग्राफ पेपर उसमें ये ओ वाई और एक्स वाई पॉजिटिव वैल्यूज में है, यानी कि इतना ही भाग हमारा पॉजिटिव वैल्यूज में है, एंड देयरफॉर वी शैल यूज ओनली शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन दैट, एंड यहाँ पे डिस्टेंस और जो है ट्रेवल के बारे में, जैसे कार है, कोई कार जो है एक डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं कि जैसे ये टाइम वेट ये जा रहा है, कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है वैसे वैसे वेट बढ़ रहा है, उसी तरीके से टाइम का भी होता है, जैसे जैसे टाइम जो बढ़ता है वैसे वैसे जो है डिस्टेंस बढ़ता है। एक नया चार्ट में देखते हैं, न्यू चार्ट है, ठीक है, यहां पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, ये हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डिस्टेंस में आता है, और ये जो है टाइम, ये टाइम है, ये डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस और टाइम में क्या है, देखो जैसे एक कार है, कार जो है वो जा रही है यहाँ पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है हमारा किलोमीटर, ओके टाइम है, यानी कि यहाँ से हमारा जीरो स्टार्ट होता है, जीरो से 1, 2, 3, 4, 5 आ टाइम है हमारा आवर में, ठीक है, आवर्स में टाइम किसमें है, आवर्स में टाइम में क्या है, देखो डिस्टेंस और आवर्स, अगर कोई हम गाड़ी से जा रहे हैं यानी कि 1 किलोमीटर, जब हम 1 किलोमीटर में पहुंचते हैं तो 1 घंटा होता है, यानी 1 किलोमीटर, आपको मालूम है डिस्टेंस हम किलोमीटर में लिखते, तो 1 आवर में 1 किलोमीटर ले जाते हैं। फिर उसी तरीके से जब 2 आवर से पहुंचता है तो 2 किलोमीटर, 2 आवर्स में 2 किलोमीटर, 2 आवर्स 2 किलोमीटर, उसी तरह से 3 आवर्स 3 घंटा बीता 3 किलोमीटर, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ा, टाइम जैसे बढ़ा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ा, या ये भी कहने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ा, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर 1 आवर में ही हमने 3 किलोमीटर तय कर लिया, नहीं, 3 घंटे लगे 1 आवर में, हम जब 1 घंटा 1 किलोमीटर जो है 1 आवर में जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ओब्वियसली 3 आवर 3 आवर,
जब एक किलोमीटर, देखिए देखो बोलेगा, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि दो गाड़ी एक साथ जा रही है, टू व्हीकल एक साथ जा रहे, ठीक है, व्हीकल नंबर वन, व्हीकल वन एंड व्हीकल टू, ओके, व्हीकल वन एंड टू, ये दो गाड़ी एक साथ जा रही है। अब यहां पे वो दोनों गाड़ी एक साथ है, तो वो एक गाड़ी एक किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय करती है, यानी वन किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय वन आवर। नाउ सेकेंड गाड़ी डिस्टेंस कवर बाय विच आवर एंड विच किलोमीटर। अब देखो सजा ऐसी बात है कि इनकी और इनकी, यानी कि व्हीकल नंबर वन एंड व्हीकल नंबर टू, अगर गाड़ी की स्पीड सेम रहेगी तो वो सेम समय में ही वो जो है डिस्टेंस कवर करेंगे उतने ही टाइम में। अगर गाड़ी की स्पीड, मान लो इसकी स्पीड 40 है और इसकी स्पीड 60 है, तो ये जो है 60 की स्पीड में जो गाड़ी जा रही है वो 40 की स्पीड से पहले पहुंचेगी, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका स्पीड तेज है, उसका ऑडोमीटर का जो कांटा है ना 60 पर है, और इस जो दूसरे ऑडोमीटर का कांटा वो 40 पे है, देन वो स्लो स्पीड में है और वो थोड़ा फास्ट स्पीड में, तो फास्ट स्पीड वाला थोड़ा पहले पहुंचेगा। अगर मान लो ये कह रहा है कि दोनों ही 40 की स्पीड में जा रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम में ही पहुंचेंगे, यानी कि वन आवर में वन किलोमीटर ही दूरी तय करेंगे। तो फिर पूछेगा थ्री आवर्स में कितने किलोमीटर, तो आंसर हमारा 3 आवर्स में 3 किलोमीटर ही आएगा, ओके। तो ये वैल्यूज जो है, पहली बात तो हम कोई भी टाइम की वैल्यू मिनट में भी लिख सकते हैं, आवर में भी लिख सकते हैं और सेकंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू जो लिखता है वो हम किलोमीटर में ही, मीटर भी तय करते हैं, लेकिन मीटर में हम ज्यादा मीटर क्लोथ के अंदर काम, जो कपड़े वपड़े नापते हैं ना, तो उसको मीटर में हम नापते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस नापते हैं वो किलोमीटर में ही होता है, ओके। तो इतनी बात सब सबको समझ में आई, ड्रॉ बताकर बता दिया कि टाइम कितना लेता है, और आपको ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो ये फिगर हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस फिगर में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम एक बार समझा देना चाहते हैं। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस इन द रिप्रेजेंट द टू एक्सेस एंड द वाई देम ओ एक्स एंड टू, इन्हें एक्स एक्स का नाम लिख सकते हो, ठीक है, इनको हम वाई एक्स एक्स लिख सकते हैं, ओ वाई और ओ एक्स, आपको ये नाम दे देना है। ओ एक्स वाई जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी आवर की लाइन है, टाइम की लाइन है, और ओ वाई जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन हमारा डिस्टेंस का लाइन है, तो ये आप हम नाम दे करके कर सकते हैं। एंड डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोड अलग, और आपको क्वांटिटी अपने आप शो करना है, जो आपके बुक जो आपके सम्स में डिस्टेंस दिया है ना वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर करना है। जो बार ग्राफ क्या नहीं करते हो, बार ग्राफ में यही करते हो ना, जो डिस्टेंस आपको दिया जाता है, जो समय दिया जाता है, वही समय आपको यहाँ पे डालना है, आपको अपने हिसाब से समय नहीं डालना है, वही समय आपको डाल करके यहाँ पर बताना है कि इतना टाइम कवर किया और इतना टाइम नहीं कवर किया। तो ये जब बार ग्राफ लिखते हो, ग्राफ पेपर में बार ग्राफ बनाते हो, पाई ग्राफ बनाते हो, तो आपको जो दिया जाता है डिस्टेंस, वही डिस्टेंस आपको बताना होता है। अगर आप अपने मन से थोड़ा सा, मान लो ये पाई ग्राफ है, ठीक है, ये बार ग्राफ का एक पेज है, तो इसको हमने आपको जो है 1 किलोमीटर माना, क्या माना, 1 किलोमीटर, दूसरा वाला हमने माना 2 किलोमीटर, यानी 2 नंबर, मतलब ये जो खाना हमारे पास है हम इसको मान सकते हैं। आप इसको, इन दोनों को फिर मान कर भी अगर तुम लिखते हो कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 खाना मान करके 2 किलोमीटर, और ये 3 खाना मान 3 किलोमीटर, आप इस पर, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने जो है स्क्वायर में जो है उस
नंबर देना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है कि कितने देना चाहते हो, वो हम जो है हम आप पर डिपेंड करता है। आप उसका नाम लिख सकते हो, नाम में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, ए बी और सी भी लिख सकते हो, नाम तुमको देना है। जरूरी नहीं है कि जो नाम हमने बोला है कि एक्स वाई एक्स आपको लिखना है, वाई ओ एक्स, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है। वी शो द टाइम अलोंग द वाई एक्सिस, आपको बता दिया, एंड द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। ओके, चूज द स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। स्केल कुड बी टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप कुछ भी आप डिस्टेंस कर सकते हो एंड मार्क वैल्यू ऑफ द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल व्हाई यू हैव चूजन फ्रॉम द फॉर द मोशन ऑफ द कार। मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन वाई एक्सिस इज दैट एक्सेट्रा। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट, ये भी हम पॉइंट पर मार्क्स कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं, लुक देख सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज इसमें आपको दी गई है। ओके, नाउ हम लेट अस, व्हाट डू यू हैव लर्न इन दिस लेसन, इसके बारे में थोड़ी सी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या हमने इसमें सीखा। पहला तो सीखा हमने द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, इट्स बेसिस बेसिक यूनिट ऑफ द मीटर पर सेकेंड एंड द मीटर सेकेंड। आपको पहले सब ये सब हमने पहले भी लर्न कर लिया, सीख लिया। पीरियोडिक इवेंट, जो पीरियोडिक इवेंट होता है आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज बीन यूज टू मेक क्लॉक एंड वॉच, ठीक है, वॉच और क्लॉक में भी पेंडुलम होता है, टिक टिक करता रहता है, घूमता रहता है, नहीं देखा है आपने पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। कितने वॉच ऐसे होते हैं जिसमें पुराने जमाने में ऐसे वॉच होते थे, अभी ऐसा वॉच है ना बहुत ही कॉस्टली आता होगा, मेरे ख्याल से आता होगा, वहां पे 1 आवर होता है ना तो टन 1 आवर, 2 आवर होता है तो टन 2 बार, मतलब वो टाइम पूरा बताता है। पार्ट 12 जब कंप्लीट होता है ना 12 आवर्स, तो 12 टाइम्स वो मूव करता है। मुझे याद है कि मेरे क्या कहते हैं मेरे जो है मामा के घर में ये चीज था, ये क्लॉक था जिसको घंटा घर बोलते थे, ठीक है, और बहुत बड़ा क्लॉक था वो क्लॉक, मतलब रात में तो नींद उड़ जाती थी हमारी, क्यों, क्योंकि रात में भी वो चार बजे तो चार टिंग 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 टिंग, मतलब हम लोग सब खुल के बैठ जाते थे, तो मुझे हमें उस कमरे में सोने में बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं थी इस तरह का वॉच देखने का और इस तरह का वॉच का घंटा घर सुनने का। तो और वो एक तरह से अभी के ज़माने में हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग जब सुबह सुबह अर्ली द मॉर्निंग उठना है तो हम अपने मोबाइल में क्लॉक अलार्म लगाते हैं, मोबाइल के अलार्म से हम उठने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो रहे वो ऐसा क्लॉक रहे तो वो तो मोबाइल पे अपने अलार्म की जरूरत ही नहीं है, वो 4 बजे तो कट कट अपने आप, 5 बजे तो 5 बार टन 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 उसका पेंडुलम घूमता है, और उसके बाद इस तरह से इंसान सब समय पे उठ जाते हैं। तो मैंने वो देखा हुआ वॉच, आप लोगों ने भी हो सकता है देखा हो अपने पुराने जय दादी दादा के घर में, नानी नाना के घर में आपने भी ये वॉच किया होगा, देखा। Now motion of object can be presented in the petrochemical from the their distance time graph, ठीक है, motion of the object कोई भी motion हम जो है उसके pie graph और petrochemical graph से हम जान सकते हैं and time graph से जान सकते हैं। The distance time graph from the motion and object moving with the constant speed in the straight line, ठीक है,
ये हमेशा कांस्टेंट चलता रहता है, पूरे कांस्टेंट स्पीड लाइन ये होता रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। एंड द बार ग्राफ, ग्राफ्स के बारे में, एंड द ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, एंड द टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, एंड द यूनिट ऑफ टाइम एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब के बारे में हमने इस लेसन में लर्न किया है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।